हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। तुम्हारा भाई आया हुआ है पांडे कार एक्सेसरीज पर। ये लगा लो, बहुत ज़्यादा बढ़िया कार और फुल्ली लोडेड जो शॉप होती है वो बताऊँगा आपको मैं। मतलब कि लगा लो, दुकान के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना हो। सारा का सारा सामान यहाँ मिल जाएगा। अपनी कार यहाँ पर लेके आओ, फुल्ली लोडेड। मतलब बेस मॉडल लेके आओगे, टॉप मॉडल लेके आओगे, फुल्ली लोडेड शॉप बोलूँगा इस दुकान को मैं। ये लगा लो कि सारा सामान यहाँ मिलता है। और बाकी अभी मैं क्यों आया यहाँ पे, यहाँ पे कार आ रखी है निसान की मैग्नेट, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया कार रहने वाली है। मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका लुक जो है इतना ज़्यादा अग्रेसिव लगता है। अभी फिलहाल जो यहाँ पे बेस मॉडल आया हुआ है, बेस मॉडल के अंदर सारा का सारा इंटीरियर का वर्क हो रहा है इसके अंदर। ये लगा लो कि मैट डल रहे हैं, डैम्पिंग हो रही है, कंपोनेंट डल रहे हैं, सिस्टम डल रहा है। और ये लगा लो इंटीरियर का सारा जो काम हो रहा है वो हो रहा है। मतलब अंदर से कार जो है एकदम मस्त होने वाली है अभी, बिल्कुल जैसे बता रहा हूँ आपको मैं। फिलहाल एक झलक दिखा देता हूँ आपको मैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी जो कार है वो खुल चुकी है। चारों दरवाजे के जो गत्ते होते हैं, साइड पैनल जो होते हैं, वो निकाल रखे हैं। कंपोनेंट यहाँ पे फिट हो रहे हैं, ठीक है जी। रॉकफोर्ड कंपनी के कंपोनेंट रहने वाले हैं। क्विक सोनिक का सुंदर सिस्टम रहने वाला है, जो कि फुल्ली एंड्रॉइड रहेगा। और सारा का इंटीरियर जो है समझ लो खोल रखा है। ये लगा लो सब पूरा इंटीरियर वर्क होने वाला है। स्टीयरिंग स्टिच हो रहा है, सीट कवर डालेंगे, डैम्पिंग होगी। मतलब सारा का जो वर्क है ना अंदर का ही होने वाला है। बाकी बाहर की बात करूँ तो बाहर सिंपल जो डोर वाइजर होते हैं वो लगने वाले हैं यहाँ पर। चाहे मतलब बैक साइड की बात करूँ, बूट एरिया वो भी काफ़ी अच्छा है। और बाकी फ्रंट तो काफ़ी हाई किलर। और यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सारा का सामान खोला गया है। पूरा सिस्टम का जो है यहाँ पे खोल दिया है, ये देख सकते हैं आप। तो सारा का यहाँ पे सामान खोल दिया है समझ लो। अब ये फिट होगा, फिट होने के बाद जो है इसमें चार चांद लग जाएंगे। चार चांद किसे कैसे लगेंगे वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। फिलहाल स्टीयरिंग स्विच हो रहा है। तो गाइस, भाई ने ना मैग्नेट की जो सीट जो है बाहर निकाल ली है। इसे बकेट बना दोगे जहर, एकदम सही है, एकदम जहर बना देंगे भाई कह रहे हैं। सीट जो है भाई देखो डिसअसेंबल हो गई, ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो है मामला खोल दिया। पीछे की सीट ये रही, फ्रंट की ये निकली हुई है। ले आओ भाई, ले आओ। जो है यहाँ पर जब बकेट कवर हो जाएगी तब देखना बकेट कवर का फील क्या आएगा। अभी देख सकते हैं जो है ना इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा, जस्टिस नहीं हो रहा। मतलब अजीब बहुत ज़्यादा, मतलब बोलूँ तो बहुत ज़्यादा बेसिक सा लग रहा है सीट कवर। कुछ खास कवर नहीं देते कंपनी वाले, बिल्कुल समझ लो नाम के लिए। देखो कितनी हल्की पैडिंग है, देखो है ना, जिसमें जब लग जाएगा बकेट कवर तब देखना कितनी ज़्यादा बढ़िया लगेगी देखने में। मतलब फील आएगा आपको बैठने में भी और देखने में भी। फिलहाल स्टीयरिंग देखो स्ट्रेच हो चुका है, ये देखो बिल्कुल OEM फिनिश में है। कोई सील बटल देखने में मिलेगी। इसके एजेस चेक कर सकते हैं आप, कितने बढ़िया एजेस हैं देख सकते हैं। ये देखो है ना 00, ये देखो कोई मतलब एक्स्ट्रा ऐसा नहीं लगेगा, अनइवन कुछ नहीं लगेगा, एकदम ओके लगेगा सारा कुछ आपको। बाकी ये लगा लो आपके पूरा का जो सामान, एक बार अंदर ले चलता हूँ आपको मैं। शोर बहुत हो रहा है यहाँ पर, तो ये लगा लो आप, एक मिनट से खींचो। ये देखो जी पूरी कार जो है वो खुल चुकी है। सामने का फ्रंट वाला डैशबोर्ड इसने कैसे खोल रखा है भैया ने, डिसअसेंबल कर रखा है। तो जब ये जो है सारा जो इसमें जब कपड़ा लग जाएगा ना और जब ये फिट हो जाएगी तब देखना आपके कार का लगने वाली है अपनी निशान की मैग्नेट। और बाकी नीचे का हाल देख सकते हैं कैसा हो रखा है। पूरी जो है कार इधर खोल दी गई है एकदम ओके की रिपोर्ट में। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए कि भाई किस तरीके से यहाँ पे काम करा जा रहा है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में यहाँ तक आपको कैसा लगा काम और कैसी लग रही है वीडियो, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। काम हो जाए तो भाई खड़ा है, वेट कर रहा है कि भाई जल्दी से भाई बाहर में निकलूँ मैं, तो ये वाली सीट भी खोले। और सीट जो है बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप, है तो सॉफ्ट नो डाउट, लेकिन जो है ना कपड़ा बहुत ज़्यादा हल्का लगाया है, बहुत ही ज़्यादा हल्का कपड़ा है। तो अंदर बकेट कवर जब लग जाएगा तब देखते हैं। फिलहाल मैं इसको खोलूँ कैसे, ये ऐसे खुलेगा, ठीक है। सो गाइस ये आ गया रियर व्यू कैमरा, देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया है। क्विक सोनिक का कैमरा रहने वाला है और क्विक सोनिक का ही हमारा सिस्टम रहने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसके लिए एक होल बना दिया गया है, तो ये लो फिट करना। ये खोलना पहले दिखाना कैसा है कैमरा हमारा क्विक सोनिक का। इसकी विजिबिलिटी बढ़िया है, एकदम जहर, रात में दिन निकाल देगी ना, ठीक है। नाइट विजन है, फिर तो बढ़िया भाई। तो सारी वायरिंग साथ में मिलती है। तो ये हमारा देख सकते हैं कैमरा, जिसमें छोटी छोटी LED के पॉइंट दिख रहे होंगे आपको। तो छोटा सा कैमरा है और इसके अंदर ये जो पॉइंट है ना, ये लॉक सिस्टम होता है बेसिकली। ये सीधा लगाएंगे और ये फिर बाहर नहीं आएगा, है ना, भी ऐसे कुछ रहने वाला है ना। अच्छा सर जी एक बात बताओ मुझे, जो कैमरा लगा रहे हैं तो इसके लिए जो आपने अलग से तार डाली है यही एड ऑन हो रही है ना। मतलब है तो नहीं कि मतलब कपलर वपलर कट रहा हो कोई, इसका ओरिजिनल वायर में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब कि ये लगा लो जो अलग से तार डाला है उसी में ही ये तार इसका अटैच कर रहे हैं। इसकी अपनी जो स्टॉक वायरिंग है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, जिसके वजह से मतलब कोई वारंटी खराब हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी तार वारे सारे के सारे भाई ने जो है टेप वेप कर दिए, प्रॉपर तरीके से कनेक्शन कर दिए। हमारा जो कैमरा वो यहाँ आ गया। कैमरा अंदर कर दूँ भैया,
अभी अंदर टाइम लगेगा, क्या करना है? अच्छा वहाँ पे लगा, सीधा चेक करोगे? सही है तो भाई यहाँ पे लगा दिया कैमरा, अभी इसको अंदर नहीं कराए क्योंकि ना इसका बैलेंस बनाएंगे, उस हिसाब से इसको अंदर सेट करेंगे ताकि व्यू कैसा कैप्चर करना है, कितना फ्रेम को कवर करना है, उस हिसाब से इसको फिट करेंगे। फिलहाल कनेक्शन तो पहले वो कनेक्शन करोगे, उसके बाद तो फिट करोगे। तो आप स्टीरियो भी जा रहे हो आप? ठीक है, तो गाइस आपको स्टीरियो दिखाता हूँ किस तरीके से फिट कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे आईडी की जो है ना सेंटर लॉकिंग लग रही है, देख सकते हैं एंटी थीफ अलार्म वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। ये इसका हूटर हो गया और ये इसकी फंक्शन मशीन हो गई जो ऊपर नीचे करेगी। ठीक है, और ये इसका सेंसर यूनिट है। ठीक है, सारी वायरिंग है तो इसमें कोई वायरिंग तो कट नहीं होगी ना कंपनी की? सही है, ये रिमोट रहने वाला। तो रिमोट बड़ा प्यारा सा लगा भाई मुझे, कुछ BMW टाइप दो रिमोट मिल रहे हैं प्यारे प्यारे से। सेंटर लॉकिंग सारा सेटअप है, सारी वायरिंग साथ में आती है, कपलर टू कपलर होगा, कोई टेप तो माननी पड़ेगी नहीं ना, कपलर टू कपलर है। ठीक है, तो भाई को करने दो फिट, उसके बाद में दिखाओ किस तरीके से रिजल्ट आया, कैसा काम हुआ है। ठीक है, फिलहाल फ्लोरिंग का काम है, करो आप करो। फिलहाल फ्लोरिंग जो है इधर चली रही है, देखो किस तरीके से वेलक्रो की मदद से यहाँ पे चुपकाया जा रहा है। ठीक है ना भैया, अनइवन तो दिखेगा ना, मतलब एकदम ओके दिखेगा ना मामला? सही है, हाँ ये तो बढ़िया, इसमें क्या इजी रिमूव होता है मामला, फुल वाटरप्रूफ। सही है। बकेट सीट की तैयारी चल रही है, उसको जो है ना सही से उधेड़ा जा रहा है, मतलब कटर की मस्त उसकी स्टिचिंग जो है वो काटी जा रही। तो भैया वो टेंशन में आ गए देख के, ठीक है सही रहा, नई गाड़ी की सीट को फाड़ दिए लेकिन बकेट सीट की सीट फिटिंग जो होती है ना वो ऐसी आती है भाई, क्या कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं मालिक जो वो देख के घबरा जाएगा, क्या सीन है नई गाड़ी की सीट को फाड़ दिए। इन भैया की गाड़ी है, इनकी जो विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है, ये देख सकते हैं सारी की सारी ऐप यहाँ पे दिखाई दे रही है, जस्ट लाइक अ फोन की तरह चलेगी ये। ठीक है ना, अपनी ईमेल आईडी डाल देना जीमेल की इसके अंदर, उसके बाद ये फोन जरा ऑपरेट कर सकते हो, इसके अंदर सारी फैसिलिटी फोन वाली मिलती है। आपका एंड्रॉइड फोन है तो आप यूज़ कर सकते हो, बाकी प्ले स्टोर है और भी प्ले स्टोर डालना चाहो तो डाल सकते हो, करो भैया चेक करो। तो भाई ये सेंटर लॉक की गन है वो यहाँ लग जाएगी, तो इसका जो मैनुअल सिस्टम था ना वो गन के थ्रू जो है ऑपरेट होगा, जैसे कि देख रहे हो क्लैंप लगी हुई है, इससे क्या होगा ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा तभी खुल जाएगा, है ना। तो चारों में लगा रहे हैं, तो भाई आगे में लगा दिया भाई, देखो यहाँ पर ये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इससे क्या है कि अपने आप ऑटोमेटिक जो है इसकी मदद से ऊपर नीचे होगी। ठीक है ना, अगर आप चेकआउट करते हैं गाइस, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है डैशबोर्ड अपना, पूरा इंटीरियर वर्क जो है बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फिटिंग जो है 0-0 है, यहाँ पे स्टिचिंग दे रखी है डुअल स्टिच, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, तो लुक को जो है काफी एनहांस कर रही है। बस अब टाइम आ गया इसको फिट करने का, तो सामान जो है सारा का सारा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फिट हो रहा है, और कार जो है अपनी पूरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, व्हील कवर लग चुके हैं, टाई बेल्ट लगा दिए इसके अंदर, और लुक देखो भाई क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है, मेरे को तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, आप बताओ आपको कैसी लग रही है। तो गाइस जैसे अंदर अंदर मारते हैं गेट खोलते हैं तो अपनी कार जो है पूरी कंप्लीट दिखाई देती है, जिसमें इंटीरियर हमारा एकदम ओके हुआ है। तो देख सकते हैं कंट्रास्ट जो निकाला है बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बात करेंगे सीट कवर की, जो कि बकेट सीट कवर रहने वाले हैं, तो बकेट सीट कवर पे एक बार नज़र डलवाता हूँ कि, तो ये देख सकते हैं आप स्टिचिंग जो है कितनी ज़्यादा प्यारी करी गई है यहाँ पे, एकदम ग्रेट स्टिच बोलूँगा इसको मैं। और बाकी इधर डायमंड कट का जो फील दिया देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला कलर भी, और इनका जो काम है एक भी सिल्वर नहीं मिलेगी देखने को आपको, देख सकते हैं कितना ज़्यादा खींच खींच के जो काम कर रहा है देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी फिंगर जो है वो आपको विजिबल करा दूंगी, देखो जस्टिस करा दूंगी, देखो ये देख रहे हो अलग ही मतलब फील आ रहा है यार, थोड़ा सा क्लोजअप में देता हूँ शॉट आपको, ये देखो क्या बात है। और बाकी जो आपको मार्किंग दिख रही है ये तो चौक पट्टी की है, जब बंदे बैठेंगे इसके ऊपर तो उसके बाद ये ओके हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। बात करते हैं इधर से बैठकर सामने की, तो जब हम बैठते हैं कार के अंदर, पहले एसी ऑन कर दूं क्योंकि भाई बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो जब कार में बैठेंगे तो डैशबोर्ड पर नजर आती है, डैशबोर्ड हमारा देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार, जो बातें पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। बाकी इसकी फिटिंग देख लो एकदम 0-0,
ऐसा नहीं लग रहा कि अलग से खोल के पीस लगाया था और यहाँ पे कुछ उबड़ खाबड़ दिख रहा, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, बिल्कुल फ्लैट दिखेगा एकदम चिकना। और डुअल स्टिच का काम यहाँ पे देख सकते हैं, देखने में मिलेगा बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अगर बात करूँ तो डोर पैनल की, तो डोर पैनल देख सकते हैं कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, एकदम फिटिंग 00 ये देख सकते हैं, एकदम OEM फिनिश में यहाँ पे काम हुआ है। ठीक है जी, सेंटर लॉकिंग तो इसमें लगाई है अलग से, जैसे बिल्कुल भी गैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, एकदम 00 फिटिंग के साथ। और बात करूँ अगर एंड्रॉयड के फीचर्स की, तो प्रॉपर देख सकते हैं यहाँ पे नेविगेशन है, ब्लूटूथ है, ऐप है, थीम है और रेडियो है। अगर हम ऐप पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि हमारे फ़ोन में आता है सेम वैसे ही फंक्शन रहने वाले। अगर आप चाहो तो आप अपनी प्ले स्टोर पर जाकर कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को टेम्पल, एक मिनट, ये टेम्पल, ठीक है, टेम्पल रन गेम आती थी बहुत पहले, अभी यहाँ पे नेट चलेगा, हाँ ये आ गया, तो नेट चल रहा है प्रॉपर, देख सकते हैं यहाँ पे गेम आ जाएगी, इंस्टॉल कर सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब बहुत इजी है, नेविगेशन चलाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर बात करूँ नीचे की, तो नीचे अभी मैट लगना बाकी है, मैट मंगवा रहा हूँ भैया से मैं, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोरिंग हो रखी है। फ्लोरिंग आप देख सकते हैं कितनी इजीली, मतलब जैसे कप ये मट्टी पड़ी हुई है, ये गंकर पड़े हैं, इजीली उड़ जाएंगे यहाँ से। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कपड़े पे, जैसे इस पे होता है ना इस वाले कपड़े पे, कि अभी उठाना पड़ रहा है, वैक्यूम लगाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, बहुत आराम से सामान उठा सकते हो, आपने डस्टर रखा उससे उठा लिया, झाड़ू वाड़ू लगा के कुछ भी करके ब्रश की मदद से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बात करूँ पीछे की, तो पीछे भी आप देख सकते हैं ये काम हुआ है जी, सामने का देख सकते हैं सीट कितना ज्यादा, मतलब एकदम स्ट्रेट आ रहा है बिल्कुल, ये देख सकते हैं, लग ही रहा कि बाहर से काम हुआ है, लग रहा है कि कंपनी ने प्रोवाइड कराया है, देख सकते हैं बिल्कुल भी सिलवट ढेनो नहीं मिलेगी आपको यहाँ से वहां तक, देख सकते हैं आप क्या बात है, ये डाल दिया देख सकते हैं, रिवर्स लग गई है हमारे, ये इंडिकेशन कर रहा है, हाँ हाँ ले आऊं लाऊं पीछे, ठीक है ठीक है ठीक है। कि ये इंटीरियर वर्क आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, देख सकते हैं पीछे बहुत ज्यादा बढ़िया, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि पांडे कार पे आप आओ, अपना काम कराओ, रिजनेबल प्राइस पे काम होता है यहाँ पे, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा भाई। कार के अंदर बेसिक काम हुए, सेंटर लॉकिंग लगी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सेंटर लॉकिंग जो लगी है उसके साथ में रिमोट मिले हैं, देखो ये वाले, ये रिमोट में चाबी कन्वर्ट कराइए, मतलब फ्लिप की, रिमोट तो दूसरा मिला था बट सर ने क्या बोला कि फ्लिप की चाहिए, तो भाई फ्लिप की यहाँ पे एड ऑन कराइए, देख सकते हैं कितनी ज्यादा बढ़िया फ्लिप की है। और इसी के अंदर जो है इसके सेंसर लग गए सेंटर लॉकिंग के, ठीक है। तो गाइस बात करेंगे अगर इसके जो कंपोनेंट है जो रॉकफोर्ड के इसके अंदर लगाए गए हैं, तो उस कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो भाई कंपोनेंट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूट्यूब खोलना पड़ेगा, तो यहाँ से हमने यूट्यूब खोला, ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा देंगे इसकी, क्या बात है। बाकी कस्टमर यहाँ पे खड़े हुए, सर कैसा काम हुआ है? बहुत बढ़िया हुआ। बढ़िया काम हुआ है, मतलब खुश हो ना? चलो सही है भाई, थम्स अप कर दो एक बारी, ये बात। तो कस्टमर मतलब आपसे कोई पूछे काम कहाँ से करा, तो यहाँ की दुकान का नाम रिकमेंड करोगे? चलो सही है भाई। तो सर पहले आ चुके हैं यहाँ पे, सर की वजह से ये आए, अब इनके वजह से कोई और आएगा, ठीक है ना। तो भाई बाहर जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे डोर वाइजर लग गए, विंडो गार्निश लग गई है, और एक बार अनलॉक कर देते हैं, अनलॉक कर दिया यहाँ पे, तो हमें इंटीरियर कुछ देखने को ऐसा मिलेगा। कलर कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पीछे की बात करूँ, जो रियर कैमरा हमने लगाया है, तो रियर कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे करी गई है, ठीक है ना। जब रियर कैमरा आप यूज़ करोगे, मतलब बैकलाइट डालोगे, तो यहाँ पे LED की जो पॉइंट है, ये बारीक बारीक ये जल जाएंगे, मतलब कि ये ऑन हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा जो कैमरा है वो एकदम आराम से वर्क करेगा। अभी जैसे गेट हमारे ओपन है, जिसकी वजह से ये
ऐसे ब्लिंक करेगी लाइट्स, ठीक है ना। तो गाइस आई होप आपको ये काम पसंद आया होगा। काम जो हुआ है वो पांडे कार एक्सेसरीज पे हुआ है करोल बाग में। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, बाकी स्क्रीन पे भी विजिबल हो रहा होगा। और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये शॉप, यहाँ पे आप आओ काम कराओ। काफी चीप प्राइस में यहाँ पे काम हुआ है और ये लगा लो कस्टमर जो है इतना ज्यादा सेटिस्फाइड है कि मैं आपको क्या बताऊँ। काम बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ है, काम मैंने आपको दिखा दिया है। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन ऑल योर्स, हमेशा की तरह आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।